हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मेरा छोटा सा प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन पत्तियाँ इसकी काफ़ी छोटी हैं। इसकी फिर मैंने कटिंग कर रखी थी इसकी पत्तियों की, तो इसको बोलते हैं मोनोग्रास जो मैंने लगा रखा है। तो इसको ये काफ़ी साल हो गए इसमें लगे, 5-6 साल हो गए इसमें लगे हुए, तो लेकिन मैंने अभी इसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया। तो आज मैंने इसको जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी मैंने जो मिट्टी थी वो गार्डन मिट्टी और सैंड्स और बर्निंग कंपोस्ट जो मैं इसको देती रही, और खाद वगैरह जो भी हम देते हैं दूसरे प्लांट को वही इसको देती हूँ मैं। तो इसको 4-5 साल से इस पॉट में लगा, पहले ये 6 इंची पॉट में था, तो अब मैं इसको 12 इंची पॉट में लगा रखा है, क्योंकि बार बार मैं प्लांट को रिपोर्ट करना ठीक नहीं समझती, तो एक बार लगा देती हूँ जहाँ काफ़ी टाइम ये लगा रहे। तो मेरे को किसी ने कहा था कि इसको मरिया के प्लांट तैयार करके दे, तो मैंने यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से आज नया एक प्लांट निकाला है, ये है, देखिए ये प्लांट, इससे 2-3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। देखिए, ऐसे ही मैं लेकर आई थी, जब मैं लेकर आई थी तो ऐसा ही एक प्लांट था, जिससे देखिए आप ये भरा पड़ा है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं ये मिल जाता है तो आप इसको लाकर लगा सकते हैं। तो आप लेकर आएंगे, देखिए इसके रूट्स वगैरह, देखिए आप नीचे से काफ़ी हो गए हैं, ऐसे हो जाते हैं नीचे से जो रूट्स हैं इसके, तो काफ़ी मुश्किल से निकलता है, क्योंकि काफ़ी इसके जो रूट्स हैं दूसरे से मिले होते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये काफ़ी घना है, तो अभी भी इसकी काफ़ी जगह खाली पड़ी थी, तो मैंने इसको अभी इसी में रहने दिया है। तो जो इसको पानी है ओवर वाटरिंग भी इसको नहीं चाहिए, ओवर वाटरिंग ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इसको है आप जैसे दूसरे प्लांट को पानी देते हैं वैसे ही हम इसको पानी देना पसंद करते हैं, तो खाद पानी भी जैसे दूसरे प्लांट को देते हैं वैसे इसको देते हैं। लेकिन ये आपकी बार धूप में पड़ा रहने के कारण से काफ़ी इसकी जो पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जो ये प्लांट आपको लगा रही थी इसके बारे में बताना चाहती थी। मेरे पास ये पहले खाली पड़ा है पॉट, एक छोटा सा मैंने बना रखा था, अपने खुद ही बनाया है। तो अब मैं इसमें जो लगाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, देखिए मेरे ऐसे 3 है इसमें लगा दूँगी, तो ये क्या काफ़ी इसमें तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही मैं इतना छोटा सा प्लांट लेकर आई थी, जब मैंने इसको 6 इंची पॉट में लगाया था तो काफ़ी ही प्लांट तैयार हो गए थे। तो ये अब बरसात का मौसम है, अब कोई भी आप प्लांट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रिपोर्ट करके लग जाएगा आसानी से। तो यही थे जो उनसी में जानकारी आपको देना चाहती थी, कि अब कि जो भी बरसात आप पॉट में कोई भी प्लांट रिपोर्ट करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में लग जाता है। तो जो इसकी देखभाल है इसमें आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें प्लांट में तो ठीक रहेगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो इसकी पत्तियाँ नीचे से होती हैं वो जल जाती हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए तो नीचे से इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ऐसे पीली पड़ जाती हैं, गल जाती हैं नीचे। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं इसको ऐसी मिट्टी तैयार की है कि इसका पानी जो गमले में रहता नहीं है निकल जाता है नीचे से। तो यह बाकी इसको धूप से बचा कर रखना पड़ता है, जैसे इसकी पत्तियाँ झुलस गई हैं ना, तो ये धूप में पड़े रहने से इसकी जो पत्तियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि अब की बार ये काफ़ी धूप में पड़ा रहा है ये प्लांट मेरा, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ इसको। तो इस करके ये को धूप से बचाना पड़ता है, जहाँ से छन के धूप है, जहाँ कहीं आपका प्लांट वो है पेड़ है उसके नीचे रख दें, या कोई शेड वगैरह है उसके नीचे रख दें, जहाँ से इसके छन कर धूप आए तो ये प्लांट आपका बचा लें। वैसे तो प्लांट मरता नहीं है ये, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ वो झुलस जाती हैं, वो थोड़ी सी इसको देखने में खूबसूरत नहीं लगती। जैसे ये प्लांट देखने में मेरा इतना झुलस गया तो ऐसे ख़राब सा लग रहा है, तो बस ये है थोड़ा सा इसको धूप से बचा के रखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये लगेगा आपका प्लांट। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई। तो अब आप अगर आपके पास है तो आप इसको रिपोर्ट करके दूसरे प्लांट पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं गार्डन या वहाँ से कहीं गार्डन किसी घर से मिल जाता है तब भी ठीक है, नहीं तो आप नर्सरी से ला कर भी इसको लगा सकते हैं। तो ऐसे है, इसको अगर कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, जैसे आपने दूसरे प्लांट की केयर करते हैं ऐसे इसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो धन्यवाद।